अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी यूनिक बाइट। आज हम बनाने जा रहे हैं पत्ता गोभी की भाजी, एकदम सिंपल और इजी तरीके से। इसके लिए हमने 2 कप पत्ता गोभी को लिया है, बारीक कट कर लिया है। इसमें 2 मीडियम आलू लिया, इसको भी बारीक काट लिया हमने। और अगर हमारी पत्ता गोभी 2 कप है तो 1 कप से ऊपर हम टमाटो लेंगे, और 1 मीडियम प्याज है उसको बारीक काट के। इसमें हमने ज़ीरा 1/2 टेबल स्पून, 1/2 टेबल स्पून राई, 4-5 कड़ी पत्ता और 4 से 5 हरी मिर्ची को काट लिया है। तो ये हमारा तेल है 1 टेबल स्पून, हमारा तेल गर्म हो रहा है। अब हम इसमें ये बघार एक साथ पूरी डाल देंगे। ये तेल अच्छी तरीके से गर्म हो गया हमारा, तो हम अब ये प्याज को अच्छे से गुलाबी कर लेंगे। सो गुलाबी होने तक हम लाल करेंगे। अगर आप स्पाइसी थोड़ा ज़्यादा खाना पसंद करते हो तो आप मिर्ची को बढ़ा सकते हो। मैंने इसमें 6 से 7 मिर्ची डाला है, मीडियम है, ना ये ज़्यादा फीका है ना ज़्यादा तीखा। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हो तो आप और मिर्ची ऐड कर सकते हो। देखिए हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई अच्छी तरीके से। अब ये स्टेज पे हम इसमें टमाटो ऐड करेंगे, इसमें बैगन डालेंगे। टमाटो में हम 1/2 टेबल स्पून हल्दी डालेंगे, 1/2 टेबल स्पून हमने हल्दी डाला है और सॉल्ट अपने हिसाब से, सॉल्ट टू टेस्ट है। कम डाल, नमक खाते हो तो कम डालो, ज़्यादा खाते हो तो ज़्यादा डालो। इसको अच्छी तरीके से प्याज के साथ मिला देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अब सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो अब हम थोड़ा पहले टमाटर को पकने देंगे, तो इसके लिए हम गैस को करेंगे स्लो और 5 मिनट के लिए टमाटर को थोड़ा गलने देंगे। ये 5 मिनट हो गया है, 5 मिनट के बाद हम इसको खोल के चेक करेंगे। देखिए हमारी जो टमाटर है वो मैश हो गया है, पूरी तरीके से नहीं हुआ, हल्का हल्का मैश हुआ है। तो अब हम ये स्टेज पे इसमें हमारी पत्ता गोभी डाल देंगे, इसमें लहर मानी दी। पूरी पत्ता गोभी हमने डाल दी है, इसमें हमारा जो मीडियम कटा हुआ आलू था वो भी हम इसमें साथ में डाल देंगे। अब इसको अच्छी तरीके से चला के अच्छे से चला लेंगे कि सब जगह टमाटर और भाजी और जो बटाटा है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए अच्छी तरीके से हमने मिला लिया सब भाजी को, देखिए कितनी अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है। अब हम इसको 15 मिनट्स के लिए कवर करके पकाएंगे। अभी हमारा गैस का फ्लेम हाई है, हमने कवर कर दिया है, गैस का फ्लेम हाई से स्लो कर दिया है, तो 15 मीडियम स्लो पे पकेगा। तो 15 मिनट के बाद हम इसको चेक करते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको बीच बीच में खोल के भी चेक कर सकते हो। हमारे 15 मिनट्स पूरे हो गए, अब हम इसको खोल के चेक करेंगे कि हमारी भाजी फिनिश डन हुई है कि नहीं। देख कितना अच्छा येलो कलर आया है इसमें, तो हम भाजी को ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे, हम खाली पटैटो को चेक करेंगे कि ये हमारा पटैटो गला है कि नहीं। अगर हमारा पटैटो गल गया है
देखिए हल्का सा और इसको गलना है और सॉफ्ट होना चाहिए। तो 15 मिनट्स के बाद हमने चेक किया तो अभी हमारा पटेटो गला नहीं है, थोड़ा सा और सॉफ्ट होना चाहिए। तो अभी हम इसको और 5 to 10 मिनट्स रखेंगे भाप में, 5 or 10 मिनट्स स्लो धीमी आंच पे इसको कवर करके रखेंगे, स्लो ही रखेंगे हम अपना गैस। देखिए हमें 10 मिनट्स हो गए, हमने 10 मिनट्स और रखा था इसको पकने के लिए। देखिए अब ये पक गई है, माशाल्लाह खुशबू भी अच्छी आ रही है। डन हो गया पटेटो भी हमारा, पटेटो भी गल गया। और हम पत्ता गोभी को ज़्यादा नहीं गलाएंगे, थोड़ी क्रंची रखेंगे तो क्या वो उसमें सॉफ्ट पटेटो के साथ उसकी क्रंचीनेस बहुत अच्छी लगेगी। देखिए हो गई है डन। अब हम इसको करते हैं बंद गैस को और इसको करते हैं डिश आउट। देखिए हमने इसको डिश आउट कर लिया है, कितनी खूबसूरत सी लग रही है हमारी पत्ता गोभी की भाजी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।